एवरीवन, आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे डिनर में क्या खाते हैं, डिनर कब बनाते हैं, डिनर कितने बजे करते हैं और कितने बजे सोते हैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, शाम का नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे, हेल्दी, स्वस्थ, मस्त, खुश होंगे। शाम के 5:30 बजे हैं और हरियाली देखिए चारों तरफ। मैं दूध लेके लौटी हूँ, दूध लेने का टाइम है अभी और वापस घर जा रही हूँ। अब जाते जाते मैं यही सोच रही हूँ वॉक पे जाऊँ कि ना जाऊँ, क्योंकि मैं सोचने में ज़्यादा टाइम अपना ख़राब कर देती हूँ और वो काम नहीं करती हूँ। और मैं बाई रोड ही जा रही हूँ, उधर से रास्ते चल रही हूँ और 4-6-10 मच्छर हाथ पे काटे जा रहे हैं। तो मैं बाई रोड ही चल रही हूँ। इधर से मेरे अब सखी सहेली सबका घर है, तो उनके घर से नहीं, मैं रोड से ही जा रही हूँ। और मैंने सोचा ब्लॉग की शुरुआत कर देते हैं, चलो एक ब्लॉग शाम के टाइम ही बनाते हैं और चलते हैं घर। और मैं रास्ते में आ रही थी ना, मुझे एक साग दिखा, पोई बोलते हैं, पोई के साग और कोहड़ा दिखा, जिसकी नरम नरम मुलायम मुलायम पत्ते मैं आपको भी दिखाऊंगी। दूध रख के आऊंगी तो फिर उन पत्तों को तोड़ के ले जाऊंगी, आज उनका साग बनाऊंगी। पोई का साग मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोहड़ा के मुलायम मुलायम जो पत्ते होते हैं ना, उनके साग मैंने सुना है अभी कि बहुत अच्छे बनते हैं, स्वादिष्ट होते हैं, कभी बनाया नहीं। तो आज मैं सोच रही हूँ तोड़ के ले चलूँ, उनका बनाऊँ। देखिए कितना ज़्यादा जंगल है, कितना ज़्यादा इधर पूरा ये रेड़ के पेड़ हैं। रेड़ आप जानते होंगे, ये देखिए चारों तरफ कितना ज़्यादा जंगल है। और आपको देखिए अरबी के पत्ते दिखा, ये कितना ज़्यादा जंगली अरबी का पत्ता है। ये बहुत ज़्यादा घर काटते हैं, इसको कोई खाता नहीं। बस ये पीले वाले पत्ते हैं, पीले तो नहीं हैं, हरे हैं, बस आपको पीले दिख रहे हैं। बहुत सारे हैं चारों तरफ, ये देखिए पूरा चारों तरफ ये पूरा अरबी का पत्ता से। और ये मेरे घर के बगल ही है, ये देखिए पूरा है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है अरबी का। मच्छर दादा, अरे दादा मच्छर काट के बहा देता है। ये है कद्दू के मुलायम मुलायम पत्ते, मैं इनको तोड़ के ले जाऊंगी, मारे मच्छर के काट के बहा देते हैं, इतना आरती करे हैं। तो पहले मैं दूध रख के आऊँ फिर इनको तोड़ूँ। अभी दूध लेके आने के बाद डिनर बनाने की शुरुआत हो चुकी है, लगभग 6 बज रहे होंगे अभी, 5:30 बजे, सॉरी 5 बजे मैं दूध लेने जाती हूँ, अभी 6 बज रहे होंगे, क्योंकि आने के बाद तैयारी करते करते 1 घंटे लग चुके हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मूंग बनाऊँगी, ये मूंग जो मैंने भिगो थे स्प्राउट के लिए, आज मैं मूंग की दाल बनाऊँगी, मूंग की छोले कह सकते हैं, मूंग की सब्जी कह सकते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची चॉपर में डाला है, जैसे हम दाल बनाते हैं सेम उसी तरीके से बनाएंगे। इन सबको चॉपर से बारीक बारीक चॉप कर लेना है। और यहाँ पे मूंग मैंने धुल के रख लिया है और कोहड़ा के पत्ते मैंने धुल के रख लिए, एक आलू कट करके रख लिया है, करी पत्ता, टमाटर सब कुछ रख लिया है। और ये देखिए हम आपको पोई के पत्ते दिखाते हैं, जो गांव से होंगे जो खाए होंगे उनको पता होगा ये पोई के पत्ते, पहले बहुत दाल में पड़ते थे, इसके साग बनते थे। सो आज मैं तो उसको तोड़ के लाऊँ, पोई के पत्ते तोड़ के लाया हूँ और जो है कोहड़ा के पत्ते तोड़ के लाया हूँ, और इन सबको मैं चॉप कर दूंगा। सबसे पहले यहाँ पे एक आलू भी कट कर लिया है, और आपको पता है ना सारे लोगों ने मेरे घर में साग खाया, किसी को पता नहीं चला किस चीज़ का साग है, सबने बड़ी ही प्रेम से खाया। जब किसी को पता नहीं चला, मैंने बताया भी नहीं कि क्या है। और डिनर बनाने की शुरुआत मैं 6 बजे से कर देती हूँ, वॉक से आने के बाद कभी कभार देर भी हो जाती है, कभी कभार जल्दी शुरुआत कर देती हूँ। आजकल मैं वॉक पे नहीं जा रही तो जल्दी शुरुआत कर देती हूँ, घर में रहती हूँ, सोचती हूँ टाइम से डिनर बन जाए, टाइम से सब लोग कर लें। सो सबसे पहले कुकर में मैंने 1 चम्मच देसी घी डाला है, सूखी लाल मिर्च, जीरा और जो चॉपर से सब्जियाँ चॉप की थी, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च उनको डाल दिया है, करी पत्ता ऐड कर दिया है, और इन सबको भूनने के बाद साथ ही एक टमाटर ऐड कर दिया है। कोई भी दाल, कोई भी सब्जी इस तरीके से आप बनाएंगे बहुत ही बढ़िया बनेंगे, खड़ी मूँग उड़द की दाल और धुली उड़द की दाल, मूँग की दाल, अरहर और मसूर की दाल, छिलके वाली मसूर की दाल, इस तरीके से आप बनाएंगे ना घर में सबको बहुत पसंद आएगी। सो मसाले ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होती, जो अदरक लहसुन हरी मिर्च डालते हैं ना उसी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आ जाता है। सो फिर भी मैंने 1 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच किचन किंग मसाला, आधा चम्मच सब्जी मसाला डाल दिया है। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी मूंग लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग 3 कटोरी यहाँ पे मैं पानी डालूंगी। शाम के टाइम है, ज़्यादा कोई नहीं खाएगा, चावल है नहीं, सिर्फ रोटी से कितना खाएंगे, तो इसलिए मैंने पानी कम ही डाला है ताकि सूखी सूखी गाढ़ी गाढ़ी दाल बने। स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती ऐड किया है। इसमें 4 से 5 सीटी लगाना है, जैसे मसूर की दाल जल्दी पक जाती है लेकिन इसको गलने में टाइम लगता है, इसलिए 4 से 5 सीटी लगाएं इसको। और इधर हमारी सीटी आती रहेगी, इधर हमारा दूध भी अच्छे से खौल रहा है, देखिए कितने अच्छे से उबल रहा है।
और दूध उबलने के बाद मैं इसको साइड में रख दूंगी और दूसरी तरफ मैं सब्जी छौंक दूंगी। सबसे पहले कढ़ाई में तेल डाला है, तेल डालने के बाद जो है इसमें लहसुन और मिर्ची का तड़का लगाया है, उसके बाद इसमें साग ऐड कर दिया है। देखिए ये मैं ये तो नहीं कहूँगी बहुत ही अच्छा बना था, ये भी नहीं कहूँगी बहुत अच्छा नहीं था। जैसे चौराई का साग लगता है सेम उसी तरीके से लगता था, मुझे चौराई के साग के जैसे ही लग रहा था। इसके बाद मैंने यहाँ पर पत्ते ऐड कर दिए, आलू ऐड कर दिए हैं। बहुत कम टाइम में ये साग बन के तैयार हो जाता है। साग बनने देते हैं, अब आटा गूंथ लेते हैं। आज साग बन रहा था, मैंने सोचा चलो मक्के की रोटी बना लेते हैं। मक्के का आटा आया है ना, मक्के की रोटी और बाजरे की रोटी ये सबकी रोटी मुलायम होती है, लेकिन जो जौ का आटा होता है ना उसकी रोटियां बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाती हैं ऐसे और कड़ी हो जाती हैं। या तो आप तुरंत गरम गरम खाओ, ज़रा देर रखो ना तो बहुत ही कड़ी हो जाती है, लेकिन मक्के की रोटी ठंडी होने के बाद भी मुलायम ही रहती है। तो अपने लिए मक्की का आटा लगा के रख दिया है और सबके लिए गेहूं का आटा मैं लगा के रख देती हूँ। गेहूं का आटा नहीं, ये भी मिक्स ही आटा है, इसे भी डाइट में खा सकते हैं। लेकिन जब बाजरे का आटा, मक्की का आटा, जौ का आटा, सबका आटा हमने मंगाया है अपने लिए, तो फिर गूंथ लेने में आलस कैसी। तो यहाँ पे हमारे साग बन के रेडी हो चुका है, दाल में अभी बन रही है, सीटी आ रही है और साग बन चुका है। तो ये वाली गैस खाली हो चुकी, फटाफट से हम रोटियां बना के सारा मतलब शाम के टाइम कुकिंग कर लेते हैं बढ़िया से आराम से। उसके बाद साफ़ सफाई कर लेते हैं, खाना जब जिसका मन हो तब खाते रहते हैं। मैं बना लेती हूँ अपना, खा भी लेती हूँ कभी कभार, इन लोगों को लेट हो जाता है ना तो ये लोग टाइम लगाते हैं, तो फिर मैं इंतज़ार नहीं करती हूँ, खा लेती हूँ। जिसका जब मन कहे तब खा लेते हैं, खाना बना होता है, बच्चे को पढ़ाई करनी रहती है तो देर में खाते हैं, कहते हैं खाके पढ़ाई नहीं होती, पद्देव जी कुछ काम करते हैं तो उनका भी कोई टाइम नहीं रहता है। सो सबसे पूछ लेती हूँ आप लोग खाना खाओगे कि नहीं। कभी कभार तो ये होता है कि चलो सब लोग साथ में खा लेते हैं, सबको छुट्टी रहती है, टाइम रहता है तो साथ में खा लेते हैं, नहीं टाइम रहता तो मैं अपना कर लेती हूँ। अगर मुझे भी कभी कभार लेट हो जाता है, नहीं खाने का मन होता है सबके साथ चक्कर में इंतजार करते करते, तो फिर मैं डिनर स्किप कर देती हूँ, या फिर आधी रोटी खा लेती हूँ, एक रोटी खा लेती हूँ, या फिर दूध मैं ले लेती हूँ। तो फिर देर रात को मैं ज़्यादा खाना नहीं खाती हूँ, कहने का मतलब ये होता है। 8 बजे तक मैं इंतजार करती हूँ, 8 बजे से अगर लेट हो जाता है तो फिर मैं खाना नहीं खाती हूँ। और यहाँ पे जो मैंने चॉपर से प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्ची चॉप किया था उसमें से थोड़ा सा निकाल लिया था और थोड़ा सा लहसुन कट किया, ऊपर से दाल में तड़का लगाएंगे। तो इन तड़के को अच्छे से फ्राई कर लिया है सब, और इसके बाद मैंने गैस को बंद कर दिया, थोड़ी सी हींग डाली, हींग बहुत जल्दी जल जाती है इसलिए गैस को बंद करके डाला है, क्योंकि ये तड़का भी इतना ज़्यादा गर्म था कि हींग अच्छे से पक जाती है। तड़का रेडी हो चुका है, दाल के ऊपर से डाल दीजिए तड़का। और वैसे मैंने तड़के वाली दाल बनाई थी, ऊपर से तड़का लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा तड़का लगाएंगे तो सब लोगों को और भी पसंद आएगी। और सब लोग ढूंढ रहे थे चावल नहीं बना आज, मैंने सोचा शाम को सब कोई चावल खाता नहीं तो मैंने इसलिए बनाया नहीं। दाल इतनी बढ़िया टिमटिम बनी थी, स्वादिष्ट बनी थी, खा के सबका ना एकदम मंत्र मुग्ध हो गए थे, इतनी बढ़िया दाल बनी थी। और साग भी अच्छा बना था, दाल साग रोटी बनाई थी। ये देखिए साग बन करके रेडी हो चुका है, सारी बर्तन खाली कर लिए हैं, अभी रात के 8 बज रहे हैं सिर्फ, और सारे काम हो चुके हैं फिनिश, पूरा कुकिंग हो चुका है, गैस भी साफ़ कर दी है, बर्तन भी धुल करके लगा दिया, अब खाने का इंतज़ार है। सब लोग को फुर्सत मिले तो फिर खाना शुरू करें। तो 8 ही बज रहे हैं, जो है 10-15 मिनट सबको खाना देने में लगेगा और यहाँ मान के चलिए 8:30 बजे तक सबका खाना हो जाएगा। और आज सुबह मैंने एक ब्लॉग शूट किया था, शाम के टाइम ये दूसरा ब्लॉग मैं शूट कर रही हूँ। सुबह के टाइम चाउमीन उमीन बना था, पूरा दिन किसी ने खाना नहीं खाया था, तो सोफ मैंने शाम को पूरा खाना बनाया है, जैसे सब्जी, दाल, रोटी और सलाद। आजकल सलाद में मुझे नींबू बहुत पसंद आ रहा है, तो फिर नींबू मैं बहुत चाव से खा रही हूँ। ये हरे वाले नींबू का छिलका भी बहुत बढ़िया लगता है और इसका जो अंदर वाला होता है खट्टा वाला गूदा, ये भी बहुत अच्छा लगता है। सलाद में खीरा कट कर लिया है, आज प्याज खाने का मन था, क्योंकि ये जैसे ढाबे वाली दाल बनती है ना उसके साथ प्याज बहुत अच्छा लगता है। तो प्याज सलाद में प्याज वगैरह, नींबू, ये सब, चुकंदर, सब कुछ कट कर लिया है, बढ़िया आराम से खाएंगे। हाँ सही बात है, दाल के साथ चावल ऐसे लग रहा था ना, थोड़ा सा चावल होता तो मज़ा ही आ जाता। वैसे कुकर जूठा हुआ था, चाहते तो बना ही देते, दाल बनाए थे बस धुल के उसमें चावल डालना था, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि कोई खाएगा नहीं, मुझे नहीं पता, कभी कभार हो जाता है ना ऐसा कि हम सोचते तो रहते हैं कोई खाएगा नहीं, बाद में पता चलता है कि सबको ज़रूरत होती है, या तो पहले से पूछ लो, पहले से कोई डिसाइड करता नहीं, बताते नहीं, तो फिर अपने मन से ही सब कुछ करना होता है। और थोड़े से जो बर्तन थे मैंने उनको भी धुल दिया है। आजकल मैं सोने को 7 घंटे दे रही हूँ, 10 बजे सो जाती हूँ, सुबह 5 बजे उठती हूँ, खाना 8 बजे तक कर लेती हूँ लगभग, और बनाना शुरू कर देती हूँ मैं लगभग 6 बजे से 7 बजे से बनाना शुरू कर देती हूँ। फ्रेंड अभी 9 बजने में 10 मिनट बाकी हैं और सबका डिनर, खाना पीना, रात के सारे काम हो चुके ख़त्म। और इस ब्लॉग को मैं ज़रा सा भी बड़ा नहीं करूँगी, बात करके यहीं पे एंड करूँगी, मिलूंगी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभरात्रि, थैंक फॉर वॉचिंग, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त, हंसते मुस्कुराते गाते गुनगुनाते रहें। और वीडियो मेरी अच्छी लगी तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट का तो मुझे इंतजार ही रहता है तो कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा, लाइक
और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में। गुड नाइट।